कितने की सब्जी? 10 रुपए किलो सब्जी है और 20 रुपए किलो आटा। हर सब्जी 10 रुपए किलो? हर सब्जी 10। कितने दिन के लिए? हमारी कोशिश है इंशाल्लाह पूरा रमजान शरीफ चलाए हम पूरे रोजे। भाई 2 किलो आटा कर। ये बिल्कुल सच है जो अभी आप बता रहे हैं कि लाहौर का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हर किस्म की जो सब्ज़ी है वो 10 रुपये है और आटा जो 20 रुपये किलो दिया जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ दोस्तों ने मिलकर ये इंतहाई सब्सिडाइज चीज़ें हैं वो फरोख्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ख़वातीन और मर्दों की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ से सब्ज़ी और आटा ख़रीद रहे हैं। एक स्टॉल लगाया गया है एक स्कूल के बाहर कुछ दोस्तों ने मिलके और वो यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों को सब्जियाँ और आटा फ्राहम करते हैं। कीमत इतनी कम क्यों रखी गई है? हम इस स्टॉल की तरफ चलते हैं और आप कुछ लोगों से भी आपको मिलवाते हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है और उनसे पूछते हैं कि इसका असल मकसद क्या था। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भजन बताइएगा ये किस दिन से शुरू किया है और कैसा रिस्पांस जा रहा है इसका? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमें ये स्टार्ट किए हुए तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया और रिस्पांस तो आपके सामने ही आपने देख लिया, जैसे लोग लाइनों में लगे हुए हैं, तो इसी तरह चल रहा है हमारा सिलसिला। अच्छा, ये 10 रुपये हर किस्म की सब्ज़ी फ़ी किलो आप दे रहे हैं और 20 रुपये किलो आटा दे रहे हैं, इतनी कम कीमत रखने का मकसद क्या था? जी इसका मकसद ये है कि लॉकडाउन के दिनों में जो लोग मजबूर हैं, जो लोग गरीब हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, जिनके घरों में एक वक्त का खाना नहीं पक रहा, ये उन लोगों के लिए है ताकि वो आएँ, वो लाइन में लगें, 10 रुपये वो पैसों से चीज़ लेके जाएं हमसे फ्री में, नहीं ताकि उनकी तजलील ना हो। और बिल्कुल जी, इतनी कम कीमत सिर्फ रखने का मकसद ये था कि लोग ये फील करें कि वो ख़रीद के लेके जा रहे हैं, वो मुफ्त नहीं लेके जा रहे, ताकि उनका जो इज़्ज़त नफ्स है वो भी मजरूह ना हो। इनका ये कहना था कि ये मुफ्त भी चीज़ें लोगों को दे सकते थे, लेकिन उसका मकसद ये था कि जो नौसरबाज लोग हैं, जो गैर ज़रूरतमंद लोग हैं, जो वैसे आगे हर जगह मांगने वाले लोग हैं, उनसे छुटकारा मिल सके। लेकिन कीमत ये हर सब्जी 10 रुपये किलो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ये आवाम का एहसास कर रही है, ऐसा हुकूमत को करना चाहिए, ये हमारी आवाम कर रही है ऐसा। नहीं, ये हर सब्जी 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो आटो, क्या ये सही है? कितने का लिया हमने? ये 10 रुपये किलो गोभी ली है, 20 रुपये किलो आटा लिया, आटा दुकाना 40-50 रुपये बेच रहे थे, पता नहीं किस तरह दे रहे हैं अपने को सबाब खाते के लिए बेच रहे हैं, सबाब के लिए सही है क्या? हाँ जी ठीक है, अभी अगे भी लगे हैं, खादा पका के आटा। हर सब्जी 10 रुपये किलो,